कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित करने की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी है और वहां भी इस पर राजनीति हो रही है। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य रो खन्ना ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को गलत बताया था। इसके बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया और भला बुरा कहा गया। हद तो तब हो गई जब उनके नाना की आलोचना की गई। इससे तिलमिलाकर रो खन्ना ने कहा कि लोग उन पर हमला कर सकते हैं लेकिन उनके नाना को कुछ ना कहें क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानी थे। रो खन्ना ने ट्वीट किया, ये दुखद है कि कुछ लोग मेरे नाना की छवि धूमिल कर रहे हैं। वे लाला लाजपत राय से जुड़े हुए थे। वे 31, 32 और 44, 45 में जेल गए थे। उन्होंने इमरजेंसी का विरोध करते हुए दो पत्र लिखे थे और इस्तीफा दे दिया था। आप मुझ पर हमला करें, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर हमला ना करें और तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। रो खन्ना कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए हैं। उनके समर्थकों ने कहा है यदि जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रो खन्ना को उम्मीदवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि खन्ना ने इससे इनकार किया। एक ट्विटर यूजर ने कहा था कि रो खन्ना शायद ये भूल गए हैं कि उनके नाना अमरनाथ विद्यालंकार ने इमरजेंसी के दौरान जनता पर हुए अत्याचारों का विरोध नहीं किया था। वहीं बीते दिनों आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी ने विद्यालंकार की सराहना की थी और उन्हें माटी का महान पुत्र बताया था। याद दिला दें कि अवमानना के एक मामले में गुजरात की सूरत सत्र अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके पास अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका है। अदालत ने उन्हें 1 महीने के अंदर अपील करने का समय दिया था लेकिन राहुल की सदस्यता जा चुकी है। वे फिलहाल लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। अमेरिका में चल रहे इस विवाद की शुरुआत रो खन्ना के उस ट्वीट से हुई थी जिसमें उन्होंने इसे गलत बताया था।